गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। अब विराम चिन्ह, आपके विराम चिन्ह से ही पता चल रहा होगा कि क्या होते हैं विराम चिन्ह। जैसे अपन खड़ी पाई लगाते हैं और प्रश्नवाचक लगाते हैं, अल्प कोमा लगाते हैं, जिन्हें अल्पविराम कहते हैं अपन। और तो आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी कार्य को करते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, इसी प्रकार अपनी बात को समझाने के लिए बोलते तथा लिखते समय बीच बीच में आवश्यकता अनुसार रुकना पड़ता है। कभी अधिक समय के लिए, कभी कम समय के लिए और कभी विभिन्न संकेतों के लिए। वाक्य में ये सभी कार्य विशेष चिन्हों के माध्यम से किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। मतलब वाक्य को निखारने के लिए, वाक्य को सुपाच्य और मतलब सुंदर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लिखते समय भाव के अनुसार रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वाक्य को शुद्ध और रोचक बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, जिससे वाक्य और अच्छा दिखता है या बोलते हैं अपन से। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख चिन्ह विराम चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। पहला है पूर्ण विराम, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप, जो पीछे खड़ी पाई लगती है ना वो। दूसरा होता है अल्प विराम, जिसे अपन कहते हैं कोमा। निर्देशक चिन्ह डैश। प्रश्न सूचक चिन्ह होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है जो। विस्मय सूचक चिन्ह होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब ये विस्मय सूचक आपका चिन्ह हो गया। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास, जो दोनों तरफ से कोमा लगते हैं वो होता है उद्धरण चिन्ह। तो विराम चिन्ह के प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम सामान्य आदेशात्मक या नकारात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, तो ये सब में क्या लगेगा, फुल पूर्ण विराम लगेगा। कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब जो आदेशात्मक हो, जिसको आदेश देते हों, और नकारात्मक जो काम नकारते हों अपन, उसके वाक्यों के अंत में क्या लगता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। फिर है आपका अल्प विराम कोमा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। वाक्य में जहाँ बहुत थोड़ी सब समय के लिए रुककर आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकाश अमित, देखो इसमें लग गया ना, आकाश कोमा, अमित कोमा, युग और पार्थ कोमा, खेलने चले गए हैं। तो ये क्या हो गया, अल्प विराम हो गया। अल्प का अर्थ पता ही होगा थोड़ा, मजा अपन थोड़े थोड़े समय में रुकते हैं और फिर वाक्य को बढ़ाते हैं, तब क्या लगते हैं, वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। तीसरा है आपका निर्देशक चिन्ह, जो डैश होता है। किसी के कुछ कथन के पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, फिर डैश आ गया, बच्चों शोर मत करो, मतलब अध्यापक कुछ कह रहा है बच्चों को कि शोर मत करो, तो ये क्या हो गया, किसी के कुछ कथन के पहले ही निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब निर्देश दिया जाता है। किसी भी चीज़ में अपन निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं, तब क्या लगता है, निर्देशक चिन्ह लगता है। अब है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो जहाँ पर भी आप कौन किसका, जैसे कौन किसका कहाँ कब, ये सब क्या होते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह होते, मतलब इनमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य में आश्चर्य, हर्ष,
शोक तथा घृणा आदि के भाव को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, मतलब बता रहा है कि जहाँ खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, नफरत हो रही है, ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए क्या लगाते हैं अपन, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपको उदाहरण देगा वाह, वाह के बाद में क्या लग गया, विस्मय सूचक चिन्ह लग गया, उसके बाद में कितना सुंदर चित्र है, तो ये कि हर्ष वाली बात हो गई, उसके लिए खुशी वाली बात हो गई। तो इन खुशी शोक घृणा इनों की जो भाव प्रकट होते हैं उनमें क्या कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। अब है आपका उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के विचार या कथन अथवा किसी पुस्तक की पंक्तियों को यथावत लिखने के लिए इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो डैश आ गया उसके बाद में जो ये लग गया इन्वर्टेड कॉमास, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब उस वाक्य को हाईलाइट कर रहा है, वो दिखा रहा है कि कितना अच्छा बोला है कि अपने व्यक्ति किसी के अपने विचार को प्रकट कर रहा है, और इन पंक्तियों को हाईलाइट किया गया है इन्वर्टेड कॉमास से। समझ में आया कि कहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आज आपने क्या सीखा, वाक्य में सभी कार्य विशेष चिन्हों के माध्यम से किए जाते हैं। लिखते समय भाव के अनुसार रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है पूर्ण विराम, एक होता है अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह आपको दे रखे हैं, इनको अलग अलग वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।